ब्लॉक कांग्रेस धर्मशाला द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में पेट्रोल डीजल सहित गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में विरोध स्वरूप गैस सिलेंडर पर सर पर उठाकर महिलाओं और युवाओं द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ साथ मोटर बाइक और कार को रस्सी से खींचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। यह धरना प्रदर्शन टंग नरवाणा स्थित पेट्रोल पंप के बाहर किया गया। इस प्रदर्शन में जिला परिषद सदस्य निशा चौधरी, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट प्रोफेसर आरपी चोपड़ा, बीडीसी चेयरमैन मंजू देवी, जिला महिला कांग्रेस कमेटी सचिव अनुराधा देवी, बीडीसी सदस्य कल्पना धीमान, कांग्रेस सेवा दल सदस्य अध्यक्ष संजीव जसवाल, ब्लॉक सेवा दल अध्यक्ष राजेश कुमार, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अश्विनी राणा, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अक्षित सैनी, जिला सचिव सरबण थापा, प्रदेश सेवा दल मीडिया समन्वयक विक्रमजीत शर्मा, युवा इंटक जिला अध्यक्ष शुभम सूद सहित रोनित कपूर, श्रीराम मदन कुमार, मोहन थापा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और हमारी बात को आप सरकार तक और पब्लिक तक जाएगी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि थोड़ा सा हमारा टाइम जो हमने दिया था उससे हम थोड़ा लेट हो गए, उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। 7 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पर हमारी एक मीटिंग हुई कांग्रेस कमेटी की, और उस कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि पूरे भारत में 11 तारीख को पेट्रोल पंप के बाहर हमारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। और ये सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट है जिसमें जो कोविड के नियम हैं उनको हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले एक साल में लगभग 27 रुपये पेट्रोल बढ़ा और लगभग 23-24 रुपये के करीब डीजल बढ़ा। गैस की कीमत आज 900 रुपया, लगभग 900 रुपया पर सिलेंडर मार्केट में मिल रहा है। अब इसका क्या प्रभाव देश के ऊपर पड़ रहा है, इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से सोचना है। एक साल के अंदर 26 रुपये पेट्रोल का बढ़ना, जबकि लोगों के पास ना तो रोज़गार है, रोज़गार की कमी हो रही है, लोगों की तनख्वाह कट रही है, साधन उनके पास कोई है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, 200 रुपये लीटर आपका सरसों का तेल भी बिल बिक रहा है, दालों के भाव आपने देखे। और अगर ये चीज़ें सारी बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर महंगाई और बढ़ेगी। जो एक ट्रक का किराया लगता था 25,000, अब जब 30-40% किराया बढ़ जाएगा तो ये लगभग आपको 35,000 पे आएगा और वो पब्लिक के ऊपर जाएगा। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि कृपया करके इन सारी चीज़ों को सोचें, आम पब्लिक का सोचें, आम आदमी का सोचें, और ये जो पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर जो रेट बढ़े हैं उनको वापस लिया जाए, कम किया जाए। और जो महंगाई बढ़ी है, अभी तो नेक्स्ट मंथ से शायद जो राशन के डिपो हैं वहाँ पर भी हर चीज़ महंगी होने जा रही है, तो इस बात को भी हमने बड़ी गंभीरता से सोचना है। आज देश भर में प्रोटेस्ट किया गया है, अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? आगामी हमारी आज सारी रिपोर्ट ऑल इंडिया की एक जगह पर इकट्ठी होगी, स्टेट में जाएगी, उसके बाद नेशनल लेवल पर जाएगी, और पार्टी के जो हमारे नेता हैं स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के, जो भी वो फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे। लेकिन हमारा ये पक्का मानना है कि हम इसको अब ऐसे नहीं चुप बैठेंगे, इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हमें करनी ही पड़ेगी जिससे कि लोगों को राहत मिले।